नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइस। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जनरल रीडिंग ये होने वाली है किसी भी व्यक्ति के लिए। आप ये रीडिंग देख सकते हो। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, आपने उस पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है। 3 टाइम्स उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इन टू देयर वाइब्रेशंस। आज आप लोगों के लिए मेरे हाथ में ये ब्लू कलर का कैंडल मैंने पिक किया है इंट्यूटिवली। सो कलर से भी हमको बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपकी रीडिंग के लिए ये ब्लू कलर का कैंडल आज मैंने पिक किया है इंट्यूटिवली, दैट मीन्स आप में से काफ़ी सारे लोगों के बीच में हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर थ्रोट चक्रा में हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस कैरी कर रहे हो, और जो कुछ भी आपके मन में जो असल बात है वो शायद बता नहीं पा रहे हो, या आप कुछ बोलना चाह रहे हो और वो बात आपके मन में आपके गले में एक तरीके से घुट रही है। ठीक है, सो आप कंसिडर कर सकते हो अपने थर्ड आई चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की, अपने थर्ड आई चक्रा थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की थ्रू वेरियस मेथड्स। ठीक है, उस बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। हम लोग रीडिंग शुरू करेंगे महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, बहुत ज़रूरी है, एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, और चैनल को करना है फटाफट से सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। रीडिंग के दौरान अगर कोई भी सकारात्मक बात आपके मन में आती है, एनीथिंग पॉजिटिव आपको लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो विजुलाइज देयर फेस इन द डिविनेशन बाउल। डिविनेशन बाउल में आप इस व्यक्ति का जो चेहरा है उसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैं रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करने जा रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टल बॉल रीडिंग करूँगी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो होती है। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले ही यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्मिक चेन बन गई है। बहुत सारे लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं, पास्ट लाइफ जर्नी है इस व्यक्ति के साथ में, और इजी जर्नी नहीं है। जो भी रिश्ता है आपका इस इंसान के साथ में बहुत सारे उतार चढ़ाव के साथ में भरा हुआ है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि तो हर रिलेशन ऐसा होता है, इसमें कौन सी नई बात है, बट यहाँ पर मुझे रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको बीच में लगता है कि ब्रेक हो गए, लेकिन फिर दोबारा से वही इश्यूज जो है वो वापस से अराइज हो जाते हैं। ठीक है, परत दर परत ऐसा लग रहा है कि लेयर बाय लेयर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई अगर तो वो चढ़ती जा रही है, गुस्सा है तो वो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, प्यार है तो प्यार बढ़ता जा रहा है। जिस भी इमोशन में एट प्रेजेंट आप हो, वो इमोशन मुझे लेयर बाय लेयर ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेटर आर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंदी वाला जो र है वो दिख रहा है, वी दिख रहा है, यू दिख रहा है, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपके बहुत क्लोज है और आपकी बातों पर जैसे कान लगा रखे हैं किसी ने, और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है, स्पेशली रात के समय में जैसे उल्लू की तरह कोई जाग रहा है, और आपके या तो रिलेशनशिप के ऊपर या आपके ऊपर आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा नज़र गड़ो रखी है। तो मेरे व्यूअर्स को मैं सॉरी सजेस्ट करूँगी कि भाई आप लोग अपना प्रोटेक्शन करके रखिए अच्छे से, और अपना जो ईविल आई रिमूवल है उसको रोज़ के रोज़ आप करते रहिए, एंड अपने ऑरा पे आपने वर्क करते जाना है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो, किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिनसे बातचीत नहीं हो रही है और पूरी तरीके से सेपरेशन है, तो आज के दिन में ये इंसान आपसे बात करने के बारे में और आपके पास में वापस आने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच सकते हैं। हालांकि कोई ऐसा व्यक्ति भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि जिसे इनको पकड़ के वापस पास्ट की तरफ खींच रहा है, या इनको आगे बढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, मुझे बार बार यहाँ पर आईज दिखाई दे रही हैं, और जैसे चश्मा बन जाता है ना, जैसे बहुत कोई गौर करके देख रहा है,
ऐसे दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि आप में से भी ऑफ़ कोर्स काफ़ी सारे लोगों के चश्मे लगे हुए होंगे, या आपके जो पार्टनर हैं उनके आई साइट हो सकता है कि वीक हो और वो ज़्यादातर ग्लासेस वगैरह पहनते हो। कई बार कंफर्मेशन के लिए इस तरीके के इंट्यूटिव मैसेजेस जो हैं वो आते हैं। आप लोगों के बीच में समय के साथ में मैं देख रही हूँ एनर्जी सीरियस होती जा रही है। आई कैन सी अ वेरी स्मॉल बेबी ओवर हियर, एक छोटा बेबी दिख रहा है मुझे। ये प्रेगनेंसी का साइन भी हो सकता है, किसी के ऑरा में प्रेगनेंसी जो है वो दिखाई दे रही है मुझे। समबडी इज़ गेटिंग प्रेगनेंट और समबडी इज़ प्लानिंग फॉर बेबी, तो उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो इस व्यक्ति के साथ में, हस्बैंड या वाइफ के साथ में, तो आपका रिश्ता जो है वो अच्छे से अभी आगे बढ़ने वाला है, अगले स्टेज पर जाने वाला है। हालांकि जो लोग अनमैरिड हैं, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लवर, क्रश, किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनको अभी बहुत लंबी जर्नी के लिए तैयार रहना है। बिकॉज एज़ पर द करंट एनर्जीज एज वेल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको अभी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव से होकर के शायद इस व्यक्ति के साथ में गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा पर्टिकुलर सिचुएशंस को लेकर के अगर हम गौर करें, तो उन लोगों के बारे में बात करें जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, मुझे यहाँ पर डेस्परेशन दिखाई दे रही है। कब बात होगी, कब बात होगी, कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कब इस इंसान से दोबारा से पैचअप होगा, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो सी, आप यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते ही थोड़ा सा ब्लैक सूट, ब्लैक मार्क्स जो हैं वो दिखाई देने लगे हैं राइट हेयर। सो कुछ पुरानी बातें हो सकती हैं जो इस इंसान ने अपने मन में रखी हुई हैं और उनको ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पीपल हु आर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिनके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, उनके लिए क्या मैसेज है महादेव, प्लीज़ गाइड करें। अरे वाह, दिस इज़ वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी वाले लोग हैं उनके पार्टनर बहुत जगह अपने हाथ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगह बहुत सारे लोगों से रिलेट करने की, कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जहाँ भी जा रहे हैं ये स्टक हो जाएंगे। ये सीधे रास्ते पर अभी नहीं चल पा रहे हैं, इनकी इच्छा है लेकिन शायद इनकी जो संगत है वो बहुत अच्छी नहीं है, और ये थोड़ा सा ओवरथिंकिंग में जा सकते हैं आज। यस, यहाँ पर भी अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है क्लियरली, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, बट ये दो हिस्सों में विभाजित है, दो हिस्सों में बटी हुई है, विच मीन्स कि थर्ड पर्सन के मन में भी नेगेटिविटी है, आपके मन में भी कुछ ना कुछ बात है इस व्यक्ति को लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, और इनके खुद के मन में भी है। मुझे यहाँ पर एक बैग दिखाई दे रहा है किसी का, जैसे कि कोई अपना बैग पैक कर रहा है। लेट्स डू सम साइकिक चैनलिंग, कैंडल तो हमारी कंप्लीट हो गई है, तो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर एक बैग जो है वो पैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कोई वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई चलता हुआ चला जा रहा है, कहीं कोई दूर निकल रहा है, किसी जर्नी पर जाने की प्लानिंग हो रही है, वर्क प्लेस से होम टाउन जाने की प्लानिंग हो रही है, होम टाउन से किसी और जगह जॉब के लिए, काम के लिए, किसी से मिलने के लिए जाने की प्लानिंग हो रही है। आप में से कोई इंसान अभी वेरी रीसेंट कनेक्शन विद ट्रेन के साथ में बहुत रीसेंट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, या तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्रेन में ट्रैवल करते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, या जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो रीसेंटली अभी ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, और आप लोगों का जो थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र तो अफेक्टेड लग ही रहा है, इसके साथ में मुझे आप लोगों का सेक्रल चक्र भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड लग रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको वर्क करना है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे साइंस जो हैं वो निकल के आए हैं। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग का एक मैसेज दिखाई दे रहा है। ये भी हो सकता है कि इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस समय पर ये व्यक्ति
ट्रैवल कर रहे हो, ये कहीं जा रहे हैं, और ऐसी भी हो सकती है कि जैसे ये आप लोगों की जर्नी रही है ना घुमावदार, अभी ये किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं कि वहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं बहुत सारे, मे बी किसी पहाड़ी जगह पर हैं या कुछ बहुत घुमावदार जगह पर हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस इंसान के लिए, जैसे आज इनको महसूस हो रहा है कि ये किसी भूल भुलैया में है, किसी लैबरिंथ में है, और इनको दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हाउ टू एस्केप। ठीक है, कहीं फंस गए हैं, किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, या इनको लाइफ हो सकता है आज के दिन में ऐसी महसूस हो रही हो जैसे कि इनको कोई एस्केप नहीं मिल रहा है। क्या वही रोज़मर्रा की जैसे जीवन होता है, सुबह उठ के ये कर लिया, ऑफिस चले गए, इतने बजे खाना खा लिया, इतने बजे सो गए, उन्हीं गिने चुने लोगों से मिलना हो गया, तो वही सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बोरियत शायद इस इंसान के मन में जनरेट हो रही है, और उस वजह से हो सकता है कि ये कहीं घूमने निकलने के बारे में या कहीं से अपनी जगह को चेंज करने के बारे में ये सोच सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं, ये सारी इनकी एनर्जी है जो आज के दिन में निकल के आई है। इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।